भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ने में लगे जिम्मेदार। भ्रष्टाचार में लिप्त शिक्षक वीरेंद्र सिंह राजपूत तोड़ रहे भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड। पुत्र मोह के चलते ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजकिशोर पांड्या का प्रभारी प्राचार्य को संरक्षण। कई बार सस्पेंड रहने वाले शिक्षक और विभागीय जांचें वर्तमान समय में चलने के बावजूद भी बना दिया गया प्रभारी प्राचार्य। अब प्रशिक्षक की नियुक्ति में हो गया भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाले शिक्षक के खिलाफ विभाग के कई शिक्षक और प्राचार्यों ने खोला मोर्चा। भ्रष्टाचार करने पर कार्यवाही के बावजूद पद उन्नति करने वाला पहला जिला बना पन्ना। केंद्र सरकार और राज्य सरकार भले ही भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात कर रही हो, लेकिन गुन्नौर विधानसभा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। यहां भ्रष्टाचार करने वाले पर कार्यवाही के बजाय जिम्मेदार पदों से सम्मानित किया जा रहा है। गुन्नौर विधानसभा मुख्यालय का शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुन्नौर है, जिसमें वर्ष 2019 से कोई फुल फ्लैश प्राचार्य नहीं आया, जिससे यहां अनियमितताओं का अंबार लगा हुआ है। मामला गुन्नौर उत्कृष्ट विद्यालय का है, जहां पर व्यवसायिक प्रशिक्षक की नियुक्ति करने के लिए विभाग से पत्र जारी किया गया था, जिसमें विद्यालय में मेरिट के आधार पर व्यवसायिक प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षक नियुक्त किया जाना था, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाले वीरेंद्र सिंह राजपूत द्वारा फर्जी तरीके से नियुक्ति कर दी गई, जिसमें ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजकिशोर पांडेय द्वारा अपने पुत्र की जबरन नियुक्ति करा देश भी रातों रात करवा दिया गया। न तो विद्यालय में होने वाली नियुक्ति का न कोई विज्ञापन निकाला और न ही कोई आम सूचना प्रकाशित करवाई गई। गुपचुप तरीके से प्रशिक्षक की नियुक्ति कर दी गई। गुप्त सूत्रों के अनुसार यह जो नियुक्ति की गई, इसमें विभाग के ही कर्मचारियों से मोटी रकम ऐड कर नियुक्ति की गई है, और जिसके मेरिट में ज्यादा नंबर थे, पैसे न देने पर उनकी नियुक्ति ही नहीं की गई। सांठगांठ में माहिर तीन बार निलंबित महिलाओं के साथ अभद्रता करने एवं छात्रों की राशि का दुरुपयोग करने जैसे गंभीर मामले वीरेंद्र सिंह राजपूत पर लग चुके हैं। तीन बार निलंबन होने के बाद भी उसी पद पर उसी संस्था में लेन देन करके बहाली। ये प्राचार्य के पद लायक नहीं है, ठीक है। ये बड़े उच्चतर माध्यमिक शिक्षक हैं, इनकी वित्तीय निमित्ता है, कई जांचें हैं इनकी, इसके बाद इनको प्राचार्य बनाया गया है। हम लोग वरिष्ठ हैं इनसे, हम प्राचार्य हैं, उसके बाद हम लोग उधर किनार किया गया है। 19 में हमने डीलेट परीक्षा कराई थी, इसका आवेदन हमने दिया, परीक्षा का पैसा आ चुका है, इनने पैसा आज तक निकाल के नहीं दिया। वीरेंद्र सिंह राजपूत डीओ साहब ने लिखा, उनकी अभेन लगी इनने, डीओ साहब ने मौखिक कहा, उसकी अभेन लगी इनने, इनके ऊपर अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए, इनको हटा किसी और को बना ताकि हमारा पैसा मिल सके। देखा जा रहा कि कुछ नियुक्तियां टेंडर के पद पे हुई थी, अधिकार नहीं है, लेकिन इन्होंने बिना विज्ञापन की उसकी नियुक्ति कर दी। इनको अधिकार ही नहीं नियुक्ति करने का, किस आधार पे इन्होंने नियुक्ति कर दी? इनको अधिकार नहीं है, हम बता रहे, बाकी की है तो इनकी जांच कराई जाए। ऐसे में यदि ऐसे प्राचार रहेंगे तो क्या शिक्षा का स्तर रहने नहीं चाहिए? शासन से हमारी अपील, हटाया तत्काल प्रकार हटाया जाए इनको। क्या नाम है, किस पद पे हैं आप? हम विजय सिंह है, प्राचार हाई स्कूल पड़ेरी। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। देखा जा रहा है सर, उत्कर्ष स्कूल में प्रभारी प्राचार्य जो बनाए गए हैं उन पर कई आरोप लग चुके हैं, इसके बावजूद उन्हें प्राचार्य पद दिया जा रहा है, लगातार वो पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। जांच मुझे प्राप्त हुई है, उसकी मैं जांच कर रहा हूँ, जैसी भी स्थिति होगी मैं वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराऊंगा। अच्छा, किस पद की सर नियुक्ति लिख ली थी और किस पद के लिए भर? इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं। बताया जा रहा है सर कि सभी संबंधियों को इसमें भरा गया है, इसमें क्या कहेंगे? मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं, तो मैं कैसे कुछ कह दूंगा? देखिए, आपने मामला संज्ञान में लिया है, मैं इसकी तत्काल में जांच कराऊंगा। जिला शिक्षा अधिकारी को मैं निर्देश दे रहा हूं, समस्त नस्ते अपने पास स्वयं बुलाएं और बुला के हमको अगले एक हफ्ते में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, और जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रभारी प्राचार्य द्वारा सर रात में विद्यालय खोला जा रहा है और विभागीय जाँच चल रही है, इसके बावजूद भी उन्हें प्राचार्य बनाया गया है, और कई अभी जो विभागीय परीक्षा निकली उसमें भी उन्होंने फर्जीवाड़ा किया, बिना विज्ञापन की नियुक्ति की है सर, ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं सर, इसमें कैसा क्या है? इसमें जांच कराई जाएगी, फाइल जिला शिक्षा अधिकारी तलब कर रहा हूं मैं, और जो भी इसमें गलती पाए, दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई।